जो जोक्स चल रहे हैं आज इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक में या व्हाट्सएप में, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। शिल्पा शेट्टी एक इतनी बड़ी स्टार है, अदाकारा है, उनके बच्चों ने क्या किया है? आप जाते उनके बच्चों के बारे में, उन शिल्पा शेट्टी के बारे में आप जोक्स बना रहे हो? शर्म करो, ये किसी के भी साथ हो सकता है, कल आपके साथ भी हो सकता है। राज कुंद्रा को ही सजा ना हो, जिन्होंने किया है उनको भी हो, सबको डालो, सबको जेल में। एक्ट्रेस राखी सावंत हाल ही में जिम के बाहर स्पॉट हुई और उनके साथ करीबी दोस्त भी दिखाई दिए। राखी और उनके दोस्त ने राज कुंद्रा को लेकर कई बातें कही और कहा कि शिल्पा और उनके मासूम बच्चों का इसमें क्या कसूर। आइए सुनते हैं राखी ने क्या कहा राज कुंद्रा के बारे में। राखी जी, इधर मत खड़े रहो, पीछे मोदी जी का भक्त हूँ, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, और उनके किए गए सभी कामों से, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने का भी कोई मुझे फैसला नहीं। राखी बोलेगी, राखी ज्वाइन करने वाली पॉलिटिक्स बहुत जल्दी। राखी कौन सी पार्टी ऊपर बता रही थी? अभी पार्टी खरीदते अभी जिम में इसने कार्डियो करते हो, कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वाली है, लेकिन उसका खुलासा कुछ दिनों के बाद। अभी फिलहाल काम सरप्राइज भी, एक सरप्राइज भी है इस वाला। नहीं अभी नहीं सरप्राइज तो है ना? हां सरप्राइज है, अभी कुछ नहीं। नहीं जय ये बिंदास है, बिंदास बात करती। आपने सुना जो राज कुंद्रा के बारे में उन्होंने कहा, इंडस्ट्री में किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बोलने की, उसने किया इसके लिए आई जस्ट हैट्स ऑफ टू हर, और मैं इज्जत दिल से करता हूँ इसकी, क्योंकि ये जो भी है ना दिल में बिंदास मुंह पे बोलती है। कोई भी हो, माइकल ऊंचा हो नीचा हो अदाया हो बाया हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बारे में इसने राज कुंद्रा के बारे में जो कहा, कह दिया बिंदास, और इसको रिग्रेट भी नहीं है। नहीं बट एक बात बोलूं मैं, आप मुझे बताइए कि गुनेगार एक कोई एक बंदा क्यों है जिसने किया वो गुनेगार? ऑफकोर्स ऑफकोर्स, आप मुझे बताइए। यस, आप जो सेल करोगे मैं खरीद रहा हूँ। हाँ, मतलब आपको कहने वाला जो बनाने वाला अगर गुनेगार है तो देखने वाला भी उतना ही गुनेगार। देखने वाला भी और करने वाला भी, किसी के कनपट्टी पर रख के तो नहीं किया ना। और राखी नहीं, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो लोग इन पे तोहमत लगा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, वो भी पकड़े जा चुके हैं इसी केसेस में। हाँ, पहले हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन जिसने आरोप लगाया है राज के ऊपर, राज के ऊपर आरोप लगाया, आपको पता होगा कुछ दिन पहले गोवा में अरेस्ट हुए थे वो। हाँ, उनको उनको कैसे आज मौका मिल गया बोलने का? पहले कहाँ थे आप लोग? पहले क्यों नहीं बोला आप लोगों ने ये चीजें? सही बात है। अगर मुझे तुमसे कोई बुराई है तो मैं फौरन बोलूंगा ना, ना कि वेट करूंगा 6 महीने की कि राखी तुमने ऐसा किया। अरे कभी कभी चेक बाउंस हो जाता है, थोड़े पैसे देती हूँ तो आप जाके पुलिस स्टेशन में बैठ जाओगे ना। राजी, आपने मेरा चेक नहीं दिया, मेरे पैसे थोड़े बाकी है। यू अंडरस्टैंड, वी आर नॉट डूइंग एनी कैरेक्टर असैसिनेशन। लेकिन ये अगर उनका तर्क है तो ये राखी का भी तर्क है, ये हमारा भी तर्क है। आज फ्री कंट्री में हूँ और मुझे ऐसा लगता है लोकतंत्र में हर इंसान को बोलने का अधिकार है। मुझे जो फील हुआ मैंने बोला, अभिनंदन बोला। हाँ, तो बजा के बोला, ठोक के बोला। नहीं, रिया चक्रवर्ती के पीछे सब पड़े थे ना, आज वो आजादी से घूम रही है, क्योंकि उनके पर अभी मतलब रिया को तो मीडिया ने ऐसा कर दिया था कि पता नहीं उसने वाकई खून का डाला बिना मतलब ट्रायल के, उसको कन्विक्ट बना डाला। अरे आई वाज आल्सो अगेंस्ट हर वन टाइम, मुझे ऐसा लगा भाई मेरे सुशांत को इसी ने मार डाला, मुझे एक टाइम में मुझे भी लगा था, पर आज वो आजाद घूम रही बिकॉज़ वो बेकसूर साबित हुई है। तो यू नेवर नो, बेकसूर भी अभी तो ट्रायल है, अभी तो फील्ड पे है, हालांकि ट्रायल होगा उसके बाद कोर्ट फैसला करेगी इस बात का कि वो हम जज ना करें। मीडिया एंकर्स तो उसको मामले में फांसी में चढ़ा चुके हैं। क्यों फांसी में चढ़ाते हो भाई साहब? आप लोग न्यायालय बैठा हुआ है जिसपे हम सबको भरोसा है, अगर वाकई कोई गुनहगार है तो ट्रायल के बाद जब दोनों वकीलों की जिरह हो जाती है उसके बाद कोर्ट फैसला करता है। हम किसी का साइड नहीं ले रहे, हम सच्चाई का साथ। और राखी ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, मैं उसको 20 साल से जाना आई नो फॉर 20 इयर्स, जो भी गलत काम हुआ उसके लिए राखी ने बोला, चुप नहीं रही, चुप रही है कभी। मुझे सब कहते हैं, मैं नहीं चुप रहती हूँ, मेरे अंदर का इंसान है ना, अंदर की आत्मा रोती है, मुझे ऐसा लगता है कि अरे सब एक अंधे की तरह, एक अंधे के पीछे सब अंधे पीछे चलते हैं, मैं उनकी तरह अंधी क्यों बनूँ? मुझे लगता है अगर मुझे फील हो रहा है कि भाई आप मुझे सजा दे
से राजकुंद्रा को अरेस्ट किया गया। हाँ। तो क्या उसकी वजह से शिल्पा शेट्टी और उनके दोनों बच्चों को भी सजा देनी चाहिए? नहीं। उनको भी इंडल्ज करें। जो मीम्स चल रही है, जो जोक्स चल रहे हैं आज इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक में या व्हाट्सएप में, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। शिल्पा शेट्टी एक इतनी बड़ी स्टार है, उनके बच्चों ने क्या किया है? आप जाकर उनके बच्चों के बारे में, उन शिल्पा शेट्टी के बारे में आप जोक्स बना रहे हो, शर्म करो। ये किसी के भी साथ हो सकता है, कल आपके साथ भी हो सकता है। उतार चढ़ाव किसके जिंदगी में नहीं आता है दोस्तों? तो एक अगर एक इंसान ने कुछ किया तो उनके बीवी बच्चों को आप क्यों घसीट रहे हो? और अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं आया है, अभी तो अक्यूज है। आप पहले से फांसी में लगा देते हो, पहले से फांसी में। कोर्ट के अनुसार जब तक आप पर आरोप साबित नहीं हो जाता तब तक आप बेगुनाह हो। लेकिन हमारी मीडिया और हमारे लोग पता नहीं किस मानसिकता को रखते हैं कि उन्होंने सीधा सीधा शिल्पा को घसीट दिया, उनके बच्चों को घसीट दिया। किसी के आपके जैसे बच्चे, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी समाज में सोसाइटी में रहना है यार। वो मत करो ऐसा, इन्वेस्टिगेशन है, किसी अपना काम करे, जैसा उनको करना है वो करेगी। अगर शिल्पा अगर उसमें इन्वॉल्व है तो शिल्पा को भी अरेस्ट करेगी। लेकिन आप इन्वॉल्व करिए, मासूम बच्चों ने क्या ये किया है? हम सबके बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे, हमारी भी एक बेटा बेटी है, इनके भी परिवार है, इनकी भी माँ है। अच्छा, मैं डर गया, मेरे बच्चे भी हैं। बच्चे से बच्चा बोला नहीं, मेरे बच्चे नहीं है, मेरे भाई बहन के बच्चे हैं, सबके घर में परिवार है, किसी न किसी के घर में बच्चे हैं। क्या बच्चों को इन्वॉल्व करना, क्या उस अभिनेत्री को इन्वॉल्व करना जो एक इंडियन लेजेंड है? लेजेंड है यार, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी है। तो शिल्पा शेट्टी को इन सब चीजों में मत घसीटो, ना उनके बच्चों को। हाँ, घसीटना है तो पहले सबूत लेके आए। हाँ। सबूत नहीं है तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, और जिन जिन लोगों ने गुनाह किया है, सिर्फ राज कुंद्रा को ही सजा ना हो, जिन्होंने किया है सबको, उनको भी हो, सबको डालो, सबको जेल में। जल्दी लो। BMW ये अलग गाड़ी है क्या? ओके, इधर दे राखी जी, राखी जी एक क्वेश्चन था, राखी जी एक क्वेश्चन है, राज कुंद्रा को 70 करोड़ जेल भेज दिया गया 14 दिन के लिए। भगवान करे उनकी जल्दी बेल हो जाए और वो छूट जाए और फिर से उनका घर संसार बस जाए। शिल्पा जी, आई लव यू। पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हर इंसान गुनहगार है। जेल जाना आना मामूली बात है, इसको सीरियस नहीं लेना। आप बिल्कुल नहीं रोना शिल्पा जी, एक आंख से आपके एक भी आंसू नहीं टपकना चाहिए। हम सब आपके साथ हैं शिल्पा जी, आपके बच्चों के साथ हैं। आप अपने नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।